द्वितीय पर्यायर आम सहित आज जड़े खास अतिथि भी जोड़े सारी आज निहाती भाव लेखालेखी और साहित्य कथा आम चर्चा करवा कारण आज जी अतिथि रही रश्मि सामल जड़े लेखिका आपण मानकर निहाती भाव लेखा भी पढ़ी थे जड़े वृत्ति जेहेतु से वृत्ति कहानी से जड़े गृहिणी तेज साहित्य प्रति अहेतुक दुर्बलता रही रश्मि प्रकाशित कविता बही निर्जनतार नुपुर गल्प कंचा आंब और अन्न्य गल्प यही मसने प्रकाश पाइब 200 रु अधिक कविता और विभिन्न पत्र पत्रिकार लेखा प्रकाशित होती 50 रु अधिक गल्प 70 रु अधिक प्रबंध प्रकाशित हो सारी आम आशा करवा यही धारा आग को भी जारी रही है तेज आज डेरी करवानी रश्मि सामल मैडम को स्वागत करवा आपको बहुत बहुत स्वागत अर्गस न्यूज के एवं खास करके आप समय बाहर कले सते सकाल अतिथि के आसछंती आज नमस्कार समस्त को शुभेच्छा आज्ञा मैडम कथा हो जेहेतु आपड़ जड़े गृहिणी आखालेखी करती अनेक गप कविता लिखिं आपण लेखा जीवन केवठ आरंभ होमती कह गए निर्दिष्ट दिन रू आरंभ हो न था मनीषर प्रत्येक अंतर्निहित गुण थाए तेणु केतेबेले परिवेश परिस्थिति ताकु लेखिबाकु उत्साहित कराए आउ मु भी लेखे आउ सेतरु मु केमती बाद जीवि पिला दिने स्कूल रे पढ़ला बेले गणित तो बिल्कुल हुए नि मु गप बही बहुत पढ़े तेणु से गप पढ़े नोवेल भी पढ़े लुचेगिरी नोवेल भी पढ़ी दिए तापरे से उथुरु लेखालेखी स्कूल कॉलेज रु आरंभ होइथला तापरे से उटु कोन कलिना किछि दिन बाहागर परे पूणी बिरति पूणी आरंभ कलि लेखालेखी 2017 रु पूणी लेखिली पेपर पेपर रे देली पेपर पेपर रे देकिरी समस्त अप्रिशिएट करले तापरे लेखिली आ मैडम आपण मध्ये बाणी बिहार संस्कृत रे स्नातकत केबे इच्छा करिनाहंती लेक्चरशिप करिवा पई पिलांको पढैबा पई नाही पिलांको दायित्व नबा पई इच्छा कलि आ चाकरी कर परिवार इच्छा कलि नि परिवार दायित्व भीतर अच्छा तो मैडम गोटे प्रश्न मन आसे कारण जो मैंने लेखालेखी करते भाषा टी अधिक मार्जित होता है तो आपन जो नॉर्मली कथा हमें घरे तो ये सब भाषा सब साहित्य वार्ड सब पलै आसे कि ना 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 नॉर्मल से अलग लेखालेखी बेले अलग लेखालेखी बेले अलग साहित्य लेखा बेले अलग पिला अलग तो सेटा कारण बहुत जन से सब मानते शब्द सब पलै आसे तो से अधिक साहित्य हो जाए तो एमती आप क्षेत्र नॉर्मल अच्छा मैडम जो शब्द कथा कहते कमलाकांत जमी जो मैंने लेखती खास कर कमलाकांत पाखे शब्दर गोटे गंताघर से माने था गोटे सुंदर शब्द को संयोजना कर कविता लेखती गल्प लेखती ये शब्द गुड़ाक मन को केमती आसे मैडम मानते आपड़ बास्तव स्थित देखिक मन को पलै आसे पढ़ापी पड़े जमी डिक्शनारी ओडिया डिक्शनारी कह गति परेश देखी शब्द गुड़े पलै आसे धर आम बाटे कौट जाऊ कौन गोटे देख लु से शब्द गुड़ाक पुंजीभूत हो पुणी लेखिया को इच्छा हुए जोटा कि कविता रे माने प्रतिफलित हो जाए हां सेटा कविता किंबा गप्परे अच्छा मैडम गोटे कविता कि इच्छा पर सुनने पाए चाहौ छन मोर गोटे कविता छै मौन घुंगुर एबे भी भूलिनि से दिनर से गुमसुम वर्षा को केड़े लंबा रास्ता जीवन रो आज स्वप्न रे बिहोर हो पड़े बारंबार अनुभूत हुए बोधे यह वृथा प्रयास थिला भाबू थाए चाहू थाए अपेक्षा रे ओ व्यर्थतारे सतर आज तुम पसंद रो नाली साड़ी पिंधि अपेक्षा करिची लाल टुक टुक साध बो परी केमिति बा जणेबी तुमको हृदय संभाषण आखि बुझी दे हृदय कानभास खोजुची से अतीतर प्रति मुहूर्त को पोति जाऊ बालुका स्तूपर चित्कार करे निजकु एकुटिया पाई मन भरी समुद्रर ढेव को देखे फिंगा सामुका सब साउटी आणे एमती केते जे अनावना भावना भितर किंतु खोजी पाएनि खूब सुंदर थिला जो कथा मैडम आपण लेखिछन्ति बोधे प्रेमर अनुभूति गोटे कविता टे अच्छा केमती एमती हठात आसिला समस्ते से प्रश्न पर्यंत प्रेमर केमती आसला प्रेम तो समस्ते करिबे बड़ छोट समस्ते किंतु प्रेम को प्रकृति भी प्रेम करहबो ना सब एमती बाहरी पड़े लेखा मैडम आप जेहेतु आप गाँव माटी को लेकिन गाँव परिवेश को लेकिन अनेक लेखा लिखिं जहाँ आम जानूँ तेज आम भी निहत भाव से अतीत गोटे फेरी जाए चाहिए कारण चिन्मय आप भी मन थी जो पूर्व गाँ जमी थी बोधे आपण भी से जेहेतु से ही समयटा देखिं तो आज आजिकल आम भी आज देखा पाऊन से परेश तो आप लेखा मध्यम निहत भाव से अतीतटा आम देखिपर से गाँव परिवेश गछलता खास करके सरल मनीष आ देखापी मिलूना
तो आपण को लेखा भितरे ए सब माने कोन को देखि लेखि थांती खास करी गांव जदि देखबा गांव भितरे माने सदाबेले मु गोटे प्राकृतिक परिवेश मधेरे बुलला बेले सब लेखा लेखि चरित्र उडा को देखि किरी लेखे सेमति मोर गोटे छोटो गप कहूची झापसा अंधार आम से दिन आम घर को काम करने स्त्री लोकटीर अनेक गाथा गुड़िक फुटी उठी मो मन भितर एवं यह सहित आम सामाजिक तथाकथित बड़ घर बड़ गुमर गुड़ी मुझे तुलना करी से गपर जानकी चरित्रर स्वामी मद पी ता प्रति अत्याचार कै और दिने मद निशार से दुर्घटनार शिकार हुए किंतु जानकी बहु कष्ट तार चिकित्सा करवाक भल कै मुहरे सीना ताक गाड़ी दिए किंतु तार सामान्य टी असुविधा हेले से केते दिवता पोजे हेले बड़ लोक पु मैंने राति में मद पी अन्य झील मान समय काटि सका घर को फेरिले सामाजिक निंदा भय से सबक परिप्रकाश करें भितर जलुले बाहर को खूब सुरखुर अच्छा प्रमाण कर था ही बड़ घर बड़ गुमर कथा निश्चित भाव गोटे जिस्ट मैडम कहले खूब सुंदर से लेखार रही कथा हूँ मैडम आप जो बड़े कविता लिखिंट गल्प लिखिंट या भितर आपक पुरस्कार पुरस्कृत होती पुरस्कार प्रभाव कौन पड़े आप अनेक पुरस्कार पाई मौसुमी पुरस्कार प्रतिभा ओडिशा प्रतिभा पुरस्कार लेखक बुद्धिजीवी पुरस्कार पुरस्कार गोटे सेमती पायापी कौन से लालायित नुह कि गोटे उत्साहित कै खुशी हुए गोटे सम्मानित आज सम्मानित हि आज बहुत खुशी लगे से आगक जावाक आहरी शक्ति दिए अच्छा पिला माने केते सपोर्ट करते जेहेतु आप दुटा झील आप कविता लिखुं पिला माने केते खुशी हुए बहुत खुशी हमें अच्छा पिला पढ़ती आप कविता हाँ मैडम अनेक गुड़े बही प्रकाश पाई जोड़ा कि आमाजन मिली जाऊँ से बही गुड़क मैडम जो देखापी जी वर्तमान समय रे ये बही जदि आप प्रेस करने चाहते ए अर्थर आवश्यकता रही समस्त जी सब कविता लिखुं गप लिखुं समस्त पक्ष सब संभव हो न था कौन एमती मध्यम अच्छी जो मैंने कि निजर तर जो रही कविता गुड़िक से अगर पहुँचे पारे एबे तो सोशल मीडिया रे समस्ते पहुँचाई पार्टी तथापि तो बहीर पाठक अलग बही जो मैंने किणिकी पढ़ा कथा निश्चित पढ़वे बहीर मान के कमी मोर प्रथम बही जिते ए सरगला आमाजन आउ भी आभेलेबुल ना मैंने सेकेंड एडिशन पुणी बाहर को बसला तेणु बही रे कमी तथापि ए जो गुगुल फुगुल सब सर्च कर पढ़ुं पे बहुत पढ़ुं से सब आपण पॉजिटिव अच्छा जे प्रकृत में ओडिया लेखा कथा कहतु एवं भी बहुत लोग पढ़ुंट खास कर बही भी किणुच हाँ किणुचार बहुत किणुचार क्या मोर बही तो देश में कौन देश बाहर भी किणी अच्छा आपंकर फास्ट एडिशन के बही आप बाहर करते मोर पाँच अच्छा ये पाँच बही बर्तमान सुधा गोटे अच्छे सेकेंड एडिशन रे हजार ऊर्ध बही आपर जाऊ कि कथा हूँ प्रकृत में कमलाकांत जो मैंने पाठक रही था जो मैंने बही को भल पाती से मितर आज भी से बही प्रति भल पाइबार रही है मैडम कथा हूँ या भितर पर कमी समय दिखती लेखालेखी ये सब कमी बालान्स कर सका उठी पांचटार उठी सतटा पर्यंत लिखे पुणी रोसईवास कम पिला पुणी राति एगारटू बारटा जगह लिखे अच्छा आ मझे जो जो बसी थे सपोज आपको गोटे किसी लाइन मन पड़ा आपको नोट कर दिखे हाँ। ना पुणी परवर्त समय भी मन पड़े मोबाइल तो ये सब मोबाइल भी टी लिखिदे अच्छा जोटा जो पाए आस पी घर लिखे जदि आप कड़े जाइए गोटे क्यारेक्टर आप देखिले जहाँपुर आप लिखापी मैंने मनरे स्थिर कर सारी कि आप अलग सब कम बाकी रही जाइए तो से मन को कमी कंट्रोल करती कारण जो पर्यटन मैंने लेखा नई मन तो स्थिर हेनी कमी से मैनेज करती मैनेज कै रोसई घर को मोबाइल नवा कथ नुए कि तथा मुझे आसूबी टी टेबुल डाइनिंग थोदे थी लिखिदेवि पुणी पलि रोस घर को एमती भी कैर लिखे मानने इच्छा आज्ञा मैडम आउ गोटे गप आप शुणा कंचा आंब बिल्कुल मुझे कथा कही था कंचा आंब एम आग को बहटा आसवापी जाऊँ गल्पटा कंचा आंब कौन से जिस्ट अच्छे कंचा आंबर बड़ गपटा कि सारांश किसी कहूँ बिल्कुल हाँ बर्तमान सामाजिक स्थित को चित्रायन करवाक मु
आउ एक गल्प कंचाब ए गल्पटर नायिका ग्रामांचल एक अशिक्षित झील बयसर चपलतार से ग्राम उच्चशिक्षित युवक को प्रेम कर बसे समयांतर गर्भवती हुए किंतु ए कथाटी कहारी को प्रकाशित कैनि अंपक्ष तार प्रेमिक युवकटी चाकरी करने को जा सहर आउ फेरे एभली एक समय ना झीटी क्या मनर कथा कहीपे ना कहार साज्य नहीं पारे गर्भावस्था खटा कंचा आंबटे खावाक इच्छा हबार ग्रामर अनेक सांग को कंचा आंबटे मागिबार से उपहास कर कहे आरे पाचिला आंब समय तू कंचा आंब मगुछ केउठु देबी किंतु भितर कथा केही जानी परंतनी परवर्ती समय से आत्महत्या करिवे से तार पोस्टमार्टम रु जना पड़े से गर्भवती थिला सेते बेले गांर पिला माने कंचा आंब खाइबार लालसा बुझी परंती ए गल्प लेखी युव समाज को एतिक मेसेज देबी जे युवावस्था रे भलो मंद विचार नकरी एमिति किछि करूचंदी जेमिति कि परवर्ती समय रे ताछल्यर शिकार होचंदी बा एपरि चरम निष्पत्ति नेबे प्रेम सत्य उचिरंतन किंतु एपरि लुचाछपा प्रेम ग्रहणीय नहे गोटे मेसेज सहित निहाती भाव गोटे गोटे निहाती भाव संवेदनशील गप भी थिला आ गोटे सुंदर कविता आपन गोटे सुनिबा पई चाहिबो कवितार शीर्षक उपहार जन्नर प्रथम आलुओ रे ज्योत्सना बरा चांदिनी तिथि रे तुमे देइथिबा उपहार सब हृदय रे साईति रखिछि सेई निद्राहीन रात्रि किछि भूलिथिबा रास्ता आउ दिगहीन आशा प्रेमर मृदुमलय सेदिनर से रोमांचकर मिलन मुहूर्त सुखद संभावना सबु साईति रखिछि जानिछि चली जाउथिबा लोककु अटकाई पारिबिनि मरीचिका सिना दूरकु सुंदर सेठी त केवल तृषा मेंटिबनि सागर कूळे बसि मधुर जल मु केमिति पाइबि प्रेम थिला दिने जहा आजि छळना कौन हरैली कौन पाइली हिसाब रखिनी उपरे उपरे हस मु हसुची भितरे केते मु लुचाई कांदुची एठी स्वप्न परा सबु दुस्वप्न सबु दाग एठी समय पछिची मनरे थिबा सबु अशांत झड़कु किपरि कबर देबाकु पड़िची किंतु तमे देइथिबा उपहार सबु साईति रखिची तमे देइथिबा उपहार सबु साईति रखिची तबे मैडम जेहेतु प्रथम बही बा जेतोले आपण प्रथम बही प्रकाश पाइथिला तार निहाती भाव में किसी निरा अनुभूति थी तापर टे कह कारण से तो निहाती भाव जेहतु प्रथम होता है आप एक्साइटेड थे नहीं कौन सब फेसबुक रे प्रथम कविता लिखिली तापर से कविता गुड़ाक समस्त आप्रिसीएट कले सेठू से कविता को नहीं मोर शांति सेना पब्लिशर सी मोर बहीटी प्रकाश करने को मत कंटाक्ट कला तापरे से रजत रश्मि स्वाई मोर बहीटी को प्रकाश करेले बहुत खुशी थी मु चैनल माध्यम रे धन्यवाद जनाऊँ भी गोटे कथा जे जो मैंने सोशल मीडिया लिखुं भल लिखुं से भी सुजोग अच्छी लेखा को हे तो जो मैंने पसंद करापे आपत सुजोग मिला से भी हम आग को सुजोग मिल पारे नहीं हाँ निश्चित अच्छा आग को मैडम कौन आप बही आसपा जा मोर गोटे प्रबंध बही आस गोटे गप बही आ गोटे कविता बही अच्छा तीन टा बही आस अच्छा खास करी आपनो जो सुंदर गप गुड़िक लिखुं आउ गोटे गप शुणा आउ गोटे गप गपर शीर्षक नुआ एक सकाळ सूर्योदय विभिन्न संवादपत्र बाहर थिला सेतेबेळ अनेक पाठक पाठिका से गल्प उपरे अभिमत रखिया सहित लेखा लिखिया को मते प्रेरणा देथिले से गल्पटीर नाम थिला नुआ एक सकाळर सूर्योदय तार मुख्य चरित्र अविनाश और तार स्त्री शिला थिले अविनाश कंट्राक्चुअल चाकरी करथिला तेणु तार अल्प दरमारे ता स्त्री और झीर सब फार्मेसी को पूरण करिपारेनी एक पक्षर ऑफिस रे काम कला बेले सामान्य व्यतिक्रम हेले तार बड़ बाबू ऑफिसर मानक आकट और अन्य पक्षरे घरे स्त्रीर ताच्छल्य से खूब दुखित तो हुए जेतेबेले से ता स्त्री को कहे चाकरीटा के रेगुलर हो जाऊ तुम सब अभिलाष पूरण करदेवि सेतेबेले से झील को अधिक रु अधिक कहे मुझ गोटे कथा बहुदिन धरी तो बाबार शुणी पारुची किंतु देख देख पड़सा घर सुब्रकांत बाबू से किपर पिला सब अभिलाष पूरण करने सहित स्त्री को सुना गहना एपरी तांकर विवाह वार्षिक दिन पड़ोसी सुब्रकांत शिला को सुना मुदीटे देवा बेले अविनाश बाबू गोटे शाढ़ीटे दे नथिले से बाप माँ को मध्य ठीक भावे पैसा पत्र दे पारु नथिले तेणु सेमानक चक्षुरे मध्य कुलांगार पुत्र थिले एही बळे किछि दिन गड़ी चलला एकदा सुब्रकांत बाबू लांच खाऊ समय धरा पड़ी और निज आय ठारु अधिक संपत्तिर मालिक होइतिबा जोगु
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼୍ରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଟୁବାକ୍ୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅବିନାଶ ଚାକିରିଟି ନିୟମିତ ହୋଇଯିବାରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଶିଲାକୁ ଏହି ଶୁଭ ଖବରଟି ଦିଅନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ସୁବ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପଣିଆ ଓ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପାରଗତା ପଣିଆ ନେଇ ଶିଲାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼୍ ଧରା ପରେ ଧାରଣା ସବୁ ଦୂର ହେଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଲାଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧ ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିଛି। ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେମାନେ ସାଧୁ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସାଧୁ ଧନ କିଛି ସମୟ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖାରେ ଖାସ କରିକି ଆଜିର କଥା ଏବଂ ମେସେଜ୍ ବି ରହିଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହି ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତି, ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? କାରଣ ଆମେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଠକ ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତ ଟାଇମ୍ ପଳାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି? ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଲଗା, ମୁଁ ଲେଖେ, ମୁଁ ଚାରି ଧାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଏ, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଲାଷ୍ଟ, ପୁଣି ମଝି କେମିତି ରହିବ ତାକୁ ସବୁ ମଝିରେ ବସି ପୁଣି ଲେଖେ, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ଭାବି ଦିଏ, ଆଗ ଭାବେ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିବି, ତାପରେ ଲେଖେ, ତାପରେ ହେଇଯାଏ ଏମିତି, ପୁଣି ତାକୁ ଠିକ କରେ। ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ? 10-15 ଦିନ ଲାଗେ। 10-15 ଦିନ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଗପ ଲେଖିଲେଣି ଆପଣ? 200 ଗପ ଲେଖିଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଗପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତିବାଦୀରେ ବାହାରିଥିଲା, ମୋତେ 200 ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଅଭିମାନ? ଅଭିମାନ ଥିଲା ସେ ଗପ ଟିକେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ? ସେ ଜିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କେମିତି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ କାମ କରୁଛି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ତାପରେ ବୁଝିପାରିଛି, ତାର ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର, ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାପରେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେମିତି ଅଭିମାନ କଲା ଭଳିଆ ପୁଅଟି କରିଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବୁଝିପାରିଛି, ଏଇସବୁ ଉପରେ ସେ ଗପଟା ଅଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଗପରେ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଗପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଖବରକାଗଜରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଯେ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା? ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରମେୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଏ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟାରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଳିରୁ ଜଣେ ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଗପରେ ଚାରି ପୁଅ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପୁଅମାନେ ଟିକେ ପଚାରୁନଥିଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି, ବାପା ମାଙ୍କୁ, ସିଏ ପଢ଼ିକିରି କହିଲେ ଝିଅ ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଲେଖିଦେଇଛ କି କିଛି? ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଦିନ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗପଟା ତ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୋଉଟା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖନ୍ତି, ହୁଏତ କାହା ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଇଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ ଏ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାର ଜିଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ଜିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଧର ଲୋକ ମରିଗଲେ, କେତେ ହେଇଗଲେ, କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅହଙ୍କାର ଏ ଗର୍ବ କାହିଁକି? ମୋର ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ଏ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି, ଏସବୁ ଯୋଉ ହିଂସା ଏବାଦ, ଏ ଯୋଉ ଜମି ବାଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କରୋନା କଥା ନିହାତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କରୋନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ହିଂସା ଦେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ଆଜି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, କେତେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଲେଖା ପାଇଁ? ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲେଖାଲେଖିରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଆମର ଶିଭାଶିଷ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଗପ ଲେଖୁଛି ବି ଅଧା ରହିଗଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ରହିଗଲି କ'ଣ କରିବି, ସାର୍ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି କରିଦିଅ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦିତିଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରେ, ସାର୍ ଏଠି ରହିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖେ, ମୋର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କଟକର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କର, ଛୋଟ ମୋଠୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରେରଣା। ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁ କହିଲେ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ବି ମାନେ ପର୍ସନାଲି କଥା ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଇଛୁ, ତେବେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କାହା ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ଶିଭାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ ପଢ଼ା ମାନେ ଲେଖା ପଢ଼େ, ତାପରେ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ କବିତାଟା ପଢ଼େ, ଶ୍ରୀରାଧା ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ବେଶୀ ହେଇଥିଲି, ସେଇଟାରୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ପଢ଼େ, ସବୁଦିନ ମୋର ପେପର୍ ପଢ଼ିବାର ନେଚର। ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଯଶୋବନ୍ତ ସାମଲ, ସିଏ ଜଣେ ରାଇଟର୍, ବଡ଼ ରାଇଟର୍। ଆଚ୍ଛା,
माने हम कला अछि लिखिबार कला घरे हां तनो बड़ भाई कठारो मु भी सिखि छि लेखा बिल्कुल तांको भी जेमति अपन सोसाइट को मेसेज दवा पई चाहू छंती जे प्रति लेखा रे सोसाइट को गोटे भलो मेसेज जाउ समस्त भीतर किछि परिवर्तन आसु मैडम कथा हो छि जे ये मेसेज कोन अपन एमति सोसाइट रे देखिले जोटा अपन को व्यस्त विव्रत करथिला जोति पई अपन चिंता करले ना हुए तो मो लेखा माध्यम रे मु किछि परिवर्तन आनी परिबे माने कुसंस्कारी हुंतुनी मोर सेटर बड़ ये आउ ये जो मद निशारु दूरे रुहंतु घर उड़ा भांगी जाउची जेमती तापर निज माँ भौणी को सम्मान दियंतु एई गुड़ा सब लेखिया पई आउ बाप मांकर कर्तव्य पिला माने करंतु ए जराश्रम न रहू ए जो अनाथाश्रम ए जो एसा तेसा एगुड़ा सब न रहू मते सेइटे भारी बेसी कष्ट दिए बहुत बढ़िया कथा शेष प्रश्न निहतने कथा पचारे तेज जेहे आप आज आपको प्रशंसक मैंने निहाती देखु कि परवर्त अवस्था देखिए तो किसी कहना चाहिए मेसेज देवाई चाहिए से जो मैंने पाठक अच्छा मोर से पढ़ु था प्रशंसा करी आगक लिखे आउ जो मैंने नुआ लिखुं से मैंने भल लिखु भल बही पढ़ु एति मोर कह कथा निश्चित भाव में कमलाकांत आज आम सहित रश्मि मैडम रही थे जहाँ खूब सुंदर गप आम शुणिले और कविता शुणिले से निश्चित भाव में गप एवं कविता माध्यम रे समाज को मेसेज देवाई चेष्टा कर आशा रखुंज समाज गोटे बड़ परिवर्तन आसु आम आशा करवा लेखा समस्त हृदयस्पर्शी हो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आज आसिले अर्गस रु सत्य सकाल अतिथि है आपंकर मूल्यवान समय दे अर्गस को धन्यवाद आज्ञा तो कमलाकांत वर्तमान तो समय सरी सत्य सकाल को ये रखुछ नमस्कार।